जमीन विवाद का जिक्र होने के साथ ही पलामू का दशकों पुराना इतिहास एक नजर में सामने आने लगता है। नक्सलवाद से निकलकर अपराध तक का सफर इस जमीन विवाद ने तय किया है। पलामू में अपराध का बदलता स्वरूप अब जमीन विवाद पर आ टिका है। पिछले एक दशक में विवाद का अपराधीकरण हुआ है। पलामू में होने वाले हर 10 अपराध में से 5 से 7 अपराध जमीन विवाद से जुड़े हुए हैं। जमीन विवाद को सुलझाने में पीढ़ियां गुजर गई, परंतु अब तक समस्या का समाधान होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। पलामू के थानों में दर्ज होने वाले 40 से 50% FIR में कहीं ना कहीं जमीन विवाद की भूमिका होती है, फिर भी प्रशासन चेतने का नाम नहीं ले रही है। जिसका खुलासा आज होगा इस रूप में कि एक पिता अपने बेटे की कारस्तानी पर नजरें झुकाए बैठा है, वो कर भी क्या सकता है, जब उसका ही नहीं बचा तो दूसरे की क्या बचाए। बस इतना ही कह पाते हैं, गलत हो रहा है, लूट रहा है। तो जमीन ही अलग है और जानबूझ के विवाद कर रहे हैं कि मतलब झगड़ा क्रिएट कर रहे हैं। मतलब हम बोलते हैं कि अपना रिश्ता अपने भाई है, हमको रिश्ता नहीं निभा रहे। तो हम लोग जब अपना रिश्ता है तब तो निभाएंगे, हम दूसरा की जमीन कहाँ लेंगे। पहला चीज है ना, तो उनको जबरदस्ती कर रहे हैं। आज नहीं, हमसे 5-7 साल से 10 साल से अलग रह रहे हैं, किसी का समझना नहीं है। बढ़ती जमीन विवाद ने फिर वर्ष 2010 के पहले की पलामू की याद ताजा कराती है, जहां लोग अपराध एवं उग्रवाद का सहारा लेकर अपनी जमीन बचाने की जुगत में लगे रहते थे। लेकिन पलामू मुख्यालय मेदनगर में एक ऐसा जमीन विवाद सामने आया है जो शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए चर्चा का विषय बना हुआ है। सुदना में अब एक ही वंश के 2 परिवारों में जमीन विवाद अब उग्र रूप धारण कर लिया है। एक पक्ष हमलावर है तो दूसरा पक्ष पक्षपात मानकर भी जिला प्रशासन से सुरक्षा एवं संरक्षा की गुहार लगा रहा है। प्रशासन को ठीक है, जमीन विवाद में नहीं पड़े, नहीं देखना है, जमीन में नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां रास्ता बंद करके मेरा सारा प्लॉट को रास्ता बंद करके गेट में लगा करके तालाबंदी किया जा रहा है, इसको हमने देखने के लिए कई अधिकारियों को रिक्वेस्ट किया कि कम से कम चल के देख तो लीजिए कि क्या हुआ है। अगर हमारा 1 एकड़ का प्लॉट है तो उसमें हम जाएं तो जाएं कैसे, और जबकि सारा रास्ता ला करके हम ला करके वहाँ तक आपके गेट तक छोड़े हैं, और जब उल्टा पलटा जबरदस्ती करना जहाँ उनका जमीन है भी नहीं। कम से कम SDO या CO जो भी जिले के मुख्य अधिकारी हैं, कम से कम आके इतना तो देख सकते हैं कि भाई तुम्हारा आँख से देखने पर भी पता चलेगा कि 17 डिसमिल जमीन कितना होता है और 2 एकड़ जमीन कितना होता है, ये भी तो आँख से नहीं देख पा रहे हैं वो लोग। कल की घटना के बाद पुलिस से SP से हम शाम को बात किए थे, 2-3 बार हमने बात करने की कोशिश की, DSP से हमने बात किया है तो DSP बोले कि हम थाना को बोल रहे हैं। तो हम SP से बात किए, SP मेरा फ़ोन नहीं उठाया, बाद में मेरे लड़के के फ़ोन से फ़ोन उठाया और बोले कि चलिए ठीक है, FIR दर्ज करना चाहते हैं, FIR आपका दर्ज हो जाएगा। ये शख्स है अमन पांडे, जो विद्यालय संचालक है और पलामू का बड़ा सेवादार युवा। उनके पिता के साथ जमीन विवाद में दूसरे पक्ष ने मारपीट की घटना को तो अंजाम दिया ही, जान से मारने की धमकी भी दी है। कब्जा करना, जिसका पेपर नहीं भी है, कोई गलत पेपर लेके और कब्जा कर रहा था, सब जगह हम लोग इसका आवेदन दिए थे। कल की घटना है, कल 11 बजे घटना है, हम लोग अपने घर के पीछे जो खेत है वहाँ गए और वहाँ उसको बोले कि काम मत करो, CO साहब को सीमांकन के लिए हम लेटर दिए हैं, सीमांकन होगा तब काम करना। तो सीधे वो आया और डंडा लाठी और एक लड़का के हाथ में पिस्टल था, वो सीधे मारना स्टार्ट कर दिया और हमको मेरे पिताजी को बहुत मारा, डंडा टूट गया, रॉड भी टेढ़ा हो गया। उससे मेरी मम्मी और चाची लोग दौड़ के आ गई तो उनको भी गाली गलौज किया। उसका फिर वहाँ पर मामला रुका, फिर हम थाना गए, फिर थाना में हम लोग सारा रिपोर्ट दर्ज कराए, मेडिकल रिपोर्ट सारा। जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है कि आखिरकार प्रशासन कर क्या रही है। जब 4 महीने से मामला पुलिस हो या प्रशासन, हर अधिकारी के टेबल पर आवेदन रूपी निवेदन के रूप में पड़ा है, जिसमें बार बार जान माल के नुकसान का डर दर्शाया गया है। जिसको लेकर अब तो एक घटना भी घट चुकी है, फिर भी प्रशासन खामोश क्यों है। दोनों पक्षों का दावा है तो एक निर्माण करेगा ही और एक रोक लगाएगा ही, जो फिर बढ़ते बढ़ते वाद से हो जाएगा विवाद। तो सवाल उठना लाजिमी है कि प्रशासन नाम का सिस्टमैटिक तामझाम क्यों,
जब मामले में एक को दोष मुक्त न किया जाए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई न किया जाए। पांडे के पिताजी हैं अवधेश पांडे, अवधेश पांडे और विशाल शुक्ला के बीच में जमीन का विवाद चल रहा है। दोनों एक ही वंशज के हैं। इनके बीच करीब 3-4 महीने से पुलिस के संज्ञान में जमीन का विवाद चल रहा है। करीब 3 महीने पहले पुलिस ने उनके सभी जमीन पर 144 की कार्रवाई की थी, जो न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय में ये मामले उन लोग अपने स्तर से देख रहे हैं, कभी इनके पक्ष में मामला जाता है, कभी उनके पक्ष में मामला जाता है। पुलिस ने जमीन संबंधी जो भी प्रतिवेदन देना था कोर्ट को दे दिया है, कोर्ट में मामला चल रहा था। अपने अपने जमीन पर लेकर के दोनों पक्ष लड़ते रहते हैं। कल इसी क्रम में झगड़ा हुआ है, जिसमें कि अमन पांडे को चोट लगी है, मारपीट हुआ है। इस संबंध में शहर थाना कांड संख्या 78 और 2021 दर्ज किया गया है। भले ही अब तक ये जमीनी विवाद में पुलिस की भूमिका तब तक नहीं होती है जब तक विधि व्यवस्था ना बिगड़े, पर आवेदन पर आवेदन पढ़ने के बाद भी खामोशी बरकरार रहे तो इसे क्या कहेंगे। आखिरकार जब मामला कोर्ट में है तो निर्माण क्यों, और निर्माण हो रहा है तो नापी कर मामले को सुलझाने में देरी क्यों। ये पलामू की ऐसी विडंबना है जो जिला मुख्यालय के चारों ओर गैर मजरुआ हो या रैयती, सबकी छाती पर दौड़ती जेसीबी दिखाई पड़ रही है। दौड़ रहा है जमीन को बेचने का सिलसिला, बाजार में दौड़ रहा बिक्री खरीदारी का ऐसा खेल जिसकी जग में आने वाला भविष्य झुलसने वाला है, जिसका प्रमाण है थाना दिवस पर कहे गए अंचलाधिकारी की ये बोल, विवाद बस जमीन का ही आया है। जमीन के विवाद संबंध नहीं मामले हैं, ऐसे मामले जिसमें टाइटल वगैरह की विवाद नहीं है, उन मामलों को दोनों निष्पादित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो मामले ऑलरेडी टाइटल में चल रहे हैं उसमें तो उनका निष्पादन कोर्ट से ही संभव होगा। तो आपसी सहमति से जो मामले निष्पादित हो सकते हैं या जो जमीन से जुड़े हुए मामले हैं उसको निष्पादित कर दिया जाएगा। जमीन विवाद पोजिशन को लेकर के आता है, लोगों ने जमीन परचेज कर लिया है, फिर उसमें हिस्सेदारी का विवाद खड़ा हो गया है कि बेचने वाला बताता है कि खरीदने वाले एक दूसरा पक्षकार खड़ा हो गया है कि नहीं उन्होंने उसकी जमीन को बेच दिया है। तो टाइटल और पोजीशन दो को लेकर ही सभी विवाद आते हैं। बहरहाल अमन पांडे और उसके पिता के साथ मारपीट मामले ने तूल पकड़ा है और प्रशासन की कलई भी खोल कर रख दी है, मगर सवाल तो उस भविष्य का है जिसका डर हर उस शख्स को सता रहा है जिसने पलामू के संघर्ष को देखा है। और पत्रकारिता इस डर से आपको सचेत जरूर करेगी, क्योंकि हर दौर में हमने नीली स्याही से लाल होते संघर्ष को बयां किया है। ब्यूरो कैपिटल न्यूज़।